नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्यूटी न्यूज और आपके साथ मैं अनुगस। ड्यूटी न्यूज में आज हम बात करेंगे टॉक विद टॉपर्स। टॉक विद टॉपर्स में हमारे साथ कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 9th एंट्रेंस में अपनी परफॉर्मेंस कुछ इस तरह दी कि एक मिसाल कायम कर दी। उन्हीं स्टूडेंट में से आज हमारे साथ मौजूद है शमशिया हासन। शमशिया, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आपने 9th एंट्रेंस क्वालिफाई किया बेटा। मेरा आपसे पहला सवाल है कि 9th एंट्रेंस की प्रिपरेशन आपने कहाँ से की? ड्यूटी सोसाइटी में। किस बैच में आप मौजूद थी? थर्ड बैच। माशाल्लाह। आपने रिटन एग्जाम में कितना स्कोर हासिल किया था उसके बारे में? 69। अच्छी बात बेटा। आपको क्या लगता है कि आपने इन 69 मार्क्स को हासिल करने के लिए किस सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत करी? सर, इंग्लिश एंड मैथ्स। ड्यूटी सोसाइटी के टीचिंग मेथड के बारे में आप बताएंगी कि आपके साथ ड्यूटी सोसाइटी का टीचिंग मेथड कैसा रहा? आपने ड्यूटी सोसाइटी में रहकर बेटा वीकली टेस्ट दिया होगा, टेस्ट सीरीज दिया होगा, स्टडी मटेरियल से स्टडी किया, तो मैं जानना चाहूंगा कि इन सारे पैकेज से आपके 69 मार्क्स के अंदर क्या हेल्प मिली? सर, मुझे इसमें बहुत हेल्प मिली थी, जैसे मतलब क्वेश्चन एएमयू में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन के टाइप और कितने मतलब टाइम कैसे मैनेज करना है। मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपके पेरेंट्स ने जो है वो आपके लिए ड्यूटी सोसाइटी को चुना और आज अल्लाह का शुक्र है कि आज आपका सिलेक्शन भी हो गया, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके पेरेंट्स जो है वो आपके सिलेक्शन को लेकर, ड्यूटी सोसाइटी की स्टडी को लेकर क्या कहते हैं? उसने बहुत रिजल्ट देने में बहुत खुश थे और वो ड्यूटी सोसाइटी को बहुत थैंक्स। आपसे अगला सवाल है मेरा कि आपका फ्यूचर प्रोग्राम क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा। मुझे डॉक्टर। अगर इसी तरह से मेहनत करती रहेंगी तो एक दिन डॉक्टर बनेंगी। आपसे अगला सवाल है मेरा कि आपने जो है वो किसी भी स्टूडेंट को 9th एंट्रेंस के क्वालिफाई करने के लिए कितने आवर्स सेल्फ स्टडी करनी चाहिए? 2 to 3 hours। ओके बेटा। लास्ट सवाल है मेरा आपसे कि आपने रिटन एग्जाम का दिया था तो उसमें आपने किस पैटर्न में क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, वो पहले मतलब एनसीईआरटी नहीं बेटा, एग्जाम के अंदर जो आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था तो उसके बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने उस क्वेश्चन पेपर को किस पैटर्न में सॉल्व किया था, पहले कौन सी लैंग्वेजेस की थी या पहले मैथ किया? लैंग्वेजेस की थी, फिर साइंस, फिर मैथ्स। लास्ट में मैं आपसे एक सजेशन चाहूंगा कि जो बच्चे आगे 9th एंट्रेंस या 6th एंट्रेंस देने वाले हैं वो ये चाहते हैं कि हम लोगों को कोई हेल्प मिल जाए कि हम लोगों को किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि वो भी आपकी तरह एक दिन कामयाब हो जाए, तो हम चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उनको कुछ हेल्प कर दें कि किस तरह से उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए। सर, उन्हें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए, टेस्ट सीरीज देना चाहिए। लास्ट में मैं आपको एक बार फिर ड्यूटी सोसाइटी की पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके पेरेंट्स को मुबारकबाद दूंगा और दुआ दूंगा इंशाल्लाह आप जो है आगे भी इसी तरह से कामयाब होती रहें। टॉक विद टॉपर में हमारे साथ मौजूद थी शमशिया हाशमी जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन किया। आगे भी और हर स्टूडेंट के इंटरव्यू के साथ मैं मौजूद रहूंगा। फिलहाल ड्यूटी न्यूज में इतना ही, हमें इजाजत।